हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमने स्टार्ट की थी अपनी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने इसके एग्जांपल कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज अपनी 3.1। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, ठीक है ना। तो हमें केवल चेंज करना है किसको, डिग्री को रेडियन में। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट, जिसमें हमें 25 डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो देखो, रेडियन मेजर इक्वल्स टू क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। तो रेडियन मेजर फाइंड करना है तो डिग्री में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये आप सब लोगों को बता दिया हम पहले ही। तो देखो, रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू में 25। तो अब 5 से कैंसिल करते हैं, 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। तो ये हो गया 5π/36। इसको ऐसा ही छोड़ सकते हो या फिर रेडियन का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड है -47°30', ठीक है। तो इसको रेडियन में चेंज करने से पहले इस मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मिनट को डिग्री में। तो देखो, -47°, और ये होगा 30/60°। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मिनट को रेडियन में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड दे देते हैं, 60 से, क्योंकि 1 degree इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो देखो, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा -47 एंड 1/2°। यानी कि इसको देखो सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये होगा देखो 94 + 1 = 95/2, जो भी किसके, नेगेटिव के, ठीक है। यानी कि देखो 47 रेडियन एंड 30 मिनट, कितना हो गया 95/2। अब हम इसे किस में चेंज कर देते हैं, रेडियन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, रेडियन में। तो देखो, हमें पता है रेडियन मेजर इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, क्लियर। तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू, माइनस है तो माइनस साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, तो मैं उस माइनस को आगे लिख लेता हूं, 95/2। तो 5 से कैंसिल करते हैं, देखो 5 बन जा 5, बचा 4, 5 9 जा 45, और ये होता है 36। तो ये हो जाएगा रेडियन मेजर इक्वल्स टू -19π/72 रेडियन। लिख दो रेडियन या फिर साइन लगा दो सी। तो ये हो गया फर्स्ट का अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका आंसर कितना है, -19π/72। बस इसमें मिनट का वाला जब भी आए ना चेंज करने के लिए डिग्री से रेडियन में, बस इस मिनट का अच्छे से ध्यान रखना है। इस मिनट को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। कैसे करके, जो भी मिनट है उसमें 60 से डिवाइड देंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई करके उसे एक ऐसी फॉर्म में लिख लेंगे।
अब है थर्ड 240, कितना है 240 डिग्री है, रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर है अपने पास 240, जीरो से जीरो कैंसर, 6 3 8 और 6 4 24, तो ये हो गया 4π/3 रेडियन। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब है फोर्थ, फोर्थ है अपने पास 520, कितना है 520 रेडियन, 520 रेडियन, इसे भी हमें सॉरी डिग्री है रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इनटू डिग्री मेजर, ठीक है, तो रेडियन मेजर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इनटू 540, 10 से 10 कैंसिल, ये कट जाएगा कितने टाइम 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 3π रेडियन, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 18 से 52 है, कितना है 52, ये गलत लिख लिया, कितना है 52 है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, अब हम 2 से काटते हैं 2 से, ये तो होगा 9, ये होगा 2 2 जा 4 एंड 6, अब ये किसी और से थोड़ी कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 26π/9 रेडियन, ठीक है, ये कितना था 50 डिग्री इक्वल्स टू हो गया 26π/9 रेडियन। अपना क्वेश्चन फर्स्ट जो था वो हो चुका है कंप्लीटली सॉल्व, केवल चेंजेस करने थे और कोई भी इसमें ऐसे कुछ खास नहीं है, बस चेंजेस करने के लिए ये याद रखना है जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम रेडियन को डिग्री में ही चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, और पाई इक्वल्स टू यूज करना है हमें 22/7, तो देखो फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट 11/16, ठीक है, तो ये अपने पास है रेडियन मेजर, हमें इसको चेंज करना है किसमें डिग्री में, ठीक है, तो डिग्री को हम चेंज करते हैं तब करते हैं 180 अपॉन पाई इनटू में जो भी हमें रेडियन मेजर गिवन है, क्लियर है, तो देखो 180 अपॉन पाई, पाई होता है 22/7, तो 7 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये अपने पास पहले से ही 11/16 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, तो देखो कैंसिल करते हैं 2 टाइम 90 टाइम 45/8, ठीक है, तो अब देखो अपने पास क्या बच गया 45 × 7/8, ठीक है, केवल क्या करना है इस पाई की जो वैल्यू है 22/7 उसे 7 को बस मल्टीप्लाई में इधर ले जाना है और कुछ नहीं करना, ये जो 11/16 था उसको ऐसे ऐसे किया 11 से 22 टाइम, फिर 2 से इसको 90 टाइम, फिर 2 से ये तो 40 टाइम कटा और ये कटा 8 टाइम,
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 5 जा 35, कैरी 3, 28 and 3 31 अपॉन में 8 डिग्री, कितना आ गया 31 5, है ना 315 अपॉन 8 डिग्री। अब इसको हम डिवाइड देंगे इसमें और कंप्लीटली लिख लेंगे, जो भी आएगा डिग्री मिनट सेकंड जैसे जैसे आएगा ना, इसको इसमें हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं छोड़ना इसको, ठीक है। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 8 का, तो देखो ये हो जाएगा कितना 8 3 जा, है ना 24, 3 टाइम गया 24, तो 24 6 और 1 7, ये हो जाएगा 75, 75 में 8 से डिवाइड देंगे, ये टाइम जाएगा 9 टाइम, है ना 8 9 8 जा 72, तो कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, ठीक है। तो कितना बचेगा 72, 75 में से 72 गए तो 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 8 डिग्री में, ठीक है। बट अभी हमें इसे मिनट में चेंज करना है ना, कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ ना, तो हम क्या करेंगे 39 डिग्री अलग इसे चेंज कर देंगे मिनट में, तो ये हो जाएगा 3 into 8 into 60 मिनट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 से 4 30, फिर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 45 अपॉन में 2, तो यानी कि 22 टाइम, कितने टाइम 22, फिर भी 1 अपॉन 2 बचेगा, तो देखो 39 डिग्री ये हो जाएगा कितना 22 मिनट और फिर 1 अपॉन 2 इंटू करेंगे 60 से, और ये हो जाएगा कितना सेकंड। जब तक सॉल्व नहीं होता ना, सेकंड तक तो हमें कम से कम जाना ही है, पहले डिग्री फिर मिनट और फिर सेकंड, तो देखो ये कट जाएगा कितने टाइम 30 टाइम, तो अपना आंसर कितना आएगा डिग्री मेजर इक्वल्स टू हो जाएगा 39 तो डिग्री। अब देखो चाहो तो इनको ऐसे बीच में प्लस करके भी लिख सकते हो ना, वैसे ऐसे प्लस करके ही लिखना, बाद में वो प्लस हम हटा सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड, किस में है ये डिग्री में, क्लियर। तो फर्स्ट का फर्स्ट अपने पास आंसर आ चुका है, देखो जब तक सॉल्व करना है, जब तक किसी सेकंड तक नहीं आता, पहले ही अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हमें कम से कम सेकंड तक लाना है, और कंप्लीट नहीं जाता फिर भी तो पीछे क्या लिख देते हैं अप्रोक्स लिख देते हैं, ठीक है क्लियर। बस ये याद रखना है इसमें जो पाई की वैल्यू वो 22/7 लेते हैं, ठीक है लिख लिया करो यहाँ पाई इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ही गिवन है वैसे ही हमें 22/7 या 3.14 भी ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सही है एकदम। फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड है -4, कितना है -4, तो वही डिग्री मेजर को रेडियन में, मतलब रेडियन को किस में चेंज करना है डिग्री में चेंज करना है, तो 180 अपॉन पाई इनटू में रेडियन मेजर, ये रेडियन में ही तो है -4, 180 अपॉन 22, 7 इधर आ जाएगा, ये है -4 इनटू में 7, ये 22 का 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको देखो कैंसिल करते हैं,
टू से, ये तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 11, क्लियर। ये हो जाएगा 7 × 4 = 28 नेगेटिव, तो 90 × −28 अपॉन में 11। अब ये कुछ डिवाइड तो जा नहीं रहा, पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 11 से डिवाइड दे देंगे। तो देखो 28 इंटू करते हैं 90, तो ये तो 0 0 है ही, 9 × 8 = 72 25, ये हो जाएगा 0252, कितना आ गया −2520 अपॉन में 11। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। अब इसमें 11 से डिवाइड देना है, ठीक है, डिग्री मेजर इक्वल्स टू, देखो यहीं देते हैं हम 25, 11 से डिवाइड दिया, 11 × 2 = 22, 3 और 2, अब भी 11 × 2 = 22 के और 0, 9 × 99 कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा 1/11, ठीक है। तो अपने पास आया −2229 तो डिग्री, ठीक है, और उसे मैं अभी यहीं 1/11 × 60 करके मिनट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखो ये तो है −229, ये हो जाएगा 60/11, तो 5 टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, ये तो हो गया डिग्री, 5 हो गया मिनट, तो फिर भी देखो 5 टाइम गया तो कितना बचेगा 5, यानी कि 5/11, 5/11 इंटू में 60, और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इधर डिवाइड देते हैं, देखो 300 में डिवाइड देते हैं 11 से, तो ये जाएगा 2 × 22 = 8 × 0 = 7 × 77 कितना बचेगा 3, तो इसे हम 0.0 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो 28 ले लेंगे, है ना, उसे और अप्रोक्स लिख देंगे, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आएगा, डिग्री मेजर इक्वल्स टू −29° 5 min. and 28 seconds अप्रोक्स। 27 या 28 कुछ भी यहां लिख के क्या लिख सकते हैं हम उसे, अप्रोक्स लिख सकते हैं ना। तो ये कितने टाइम, देखो यहां से बचेगा अपने पास 3, ये हो जाएगा 2 × 22 8 × 0 = 7 × 77, तो इसे 28 के अप्रोक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया अपने पास सेकंड का क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड, ठीक है, −4 था इसलिए किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो −4 radians कितने के इक्वल होता है, −29° 5 min. and 28 seconds के इक्वल होता है। अब देखो इसमें है थर्ड है अपने पास 5π/3, कितना है 5π/3, ठीक है, डिग्री मेजर इक्वल्स टू डायरेक्ट करते हैं हम 180/π को लिखते हैं 22 इंटू 5π/3 और 7 आ जाएगा इधर, कैंसिल करते हैं, देखो 3 से 60 टाइम, ठीक है, 2 से 11 एंड 30 टाइम,
और कुछ कट रहा है क्या? अच्छा, इस पाई की भी वैल्यू लिख देते हैं, दो पाई है ना, एक तो इस फॉर्मूले में, इसमें भी है, तो 22/7 इसको भी कर देते हैं। देखो और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना होता है 180/पाई, तो पाई को 22 × 7, 7 ही आ गया। अब ऐसे ही ये है 5π, तो 5 × 22, ये अपॉन में 3 है, 7 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 7 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, ये 22 डिवाइड में, ये 22 मल्टीप्लाई में, 3 से इसको काट देंगे 60 टाइम, तो डी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और 300 डिग्री। कितना आंसर आ गया अपने पास, 300 डिग्री, यानी कि 5π/3 रेडियन इक्वल होता है 300 डिग्री के। क्लियर, ये हो गया सेकंड का क्वेश्चन नंबर, थर्ड कंप्लीट। अब इसका फोर्थ है 7π/6, फोर्थ है 7π/6। तो देखो जब पाई आ जाता है ना तो इजी हो जाता है, वो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है ना, तो अगर इसकी वैल्यू भी नहीं रखते तो भी 7π से पाई वो कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर हम वैल्यू पाई की नहीं रखें तो दूसरे तरीके से कराता हूं मैं आप लोगों को, फॉर्मूला होता है 180π × जो रेडियन मेजर होता है, रेडियन मेजर अपने पास क्या है, 7π/6, यही तो है फॉर्मूला भी यही है। तो देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दो, वो 22/7 ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये कट जाएगा 30 टाइम, तो 7 × 3 = 21 और 0 डिग्री। तो अपना कितना आ गया, डिग्री मेजर 210 डिग्री, कितने का, 7π/6 का। तो 7π/6 का डिग्री में जब हमने चेंज किया तो अपने पास आ गया 210 डिग्री। तो अब आप लोग डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री दोनों को चेंज करना अच्छी तरह से सीख गए होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर कोई भी कैसी भी बात है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए व्हील मेक्स 30 रिवॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्हील है जो कितने में 360 रिवॉल्यूशन इन वन मिनट, वन मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, 360 रिवॉल्यूशन, डिग्री नहीं 360 रिवॉल्यूशन, यानी एक व्हील यानी एक पहिया है वो एक मिनट में 360 बार घूम जाता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो वन मिनट यानी कि 60 सेकंड, भाई 60 सेकंड ही है, 60 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन लेता है, 360 रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा, 360/60, 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन लेगा, 6 रिवॉल्यूशन। अब ये कह रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये कितने वो लेगा, वो तो ये आ गया 6 रिवॉल्यूशन, ठीक है। पर उसने पूछा है रेडियन में, कितने में, रेडियन में। देखो एक व्हील है, ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन लेने में ये कितने डिग्री घूमता है, 360 डिग्री, ठीक है।
और एक रिवॉल्यूशन में ये कितने रेडियन घूमता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 360 डिग्री इक्वल होता है कितने के, 2 पाई रेडियन के। यानी कि एक जो सर्कल होता है वो 360 तो होता है डिग्री में, ठीक है, और 2 पाई होता है रेडियन में। किस में होता है? 2 पाई रेडियन में। तो 1 सेकंड में वो कितने रेडियन घूमेगा? तो देखो, जब वो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन ले रहा है, तो 6 रिवॉल्यूशन यानी 6 राउंड, 1 राउंड होता है 2 पाई का, कितने का होता है? 2 पाई का। तो 6 राउंड में कितना हो जाएगा? 12 पाई। कितना हो जाएगा? 12 पाई। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो देखो, नाउ व्हील, ठीक है, जो व्हील है, जो क्या है, एक पहिया है, जो एक व्हील है, वो टर्न कितना है? 2 पाई है ना, टर्न्स 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन में कितने लगता है? 2 पाई। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितने में? 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 2 पाई इक्वल्स टू में 6, यानी कि 12 पाई रेडियन। ये तो है रेडियन में आंसर, ठीक है। अगर वो ये पूछता डिग्री में आंसर, कितने पूछता? डिग्री में आंसर, तो डिग्री में हम क्या करते? 360 का मल्टीप्लाई कर देते 6 से, क्योंकि वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, कितने चक्कर काट रहा है? 6 चक्कर, यानी कि 6 राउंड, 6 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो 6, एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360, यानी कि एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360, और एक सर्कल जो होता है वो रेडियन में कितने डिग्री, कितने रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन, है ना। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि 360 इक्वल टू होता है 2 पाई, यहीं से तो बन के आया है वो। 360 इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 180 इक्वल टू कितना हो गया? पाई, मतलब 180 डिग्री इक्वल टू में पाई रेडियन, और 1 डिग्री इक्वल टू में कितना होता है फिर? पाई अपॉन में 180 रेडियन। इसीलिए तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी रेडियन में चेंज करते हैं डिग्री को। क्लियर? ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, जिसका आंसर था 12 पाई। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंट सेंटर ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? सेंटर रेडियस एंड आर्क ऑफ लेंथ इज 12। देखो, हमने कल आप लोगों को बताया था कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस हमें 100 गिवन है, 100 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 100 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क, तो यानी कि कोई एक एंगल बनना है और ये लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, एल इक्वल टू कितनी है? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें थीटा फाइंड करना है, और जो भी डिग्री में फाइंड करना है, और यहां अपने पास थीटा किस में होता है? रेडियन में। किस में होता है? रेडियन में। तो देखो, पहले थीटा फाइंड करेंगे रेडियन में, फिर उसे डिग्री में हम चेंज कर लेंगे। तो डिग्री में चेंज करना हमें आता है, तो सबसे पहले काम की बात चीज है वो क्या है? थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा फाइंड करना है। और हम सब लोगों को मैंने बता दिया कल आप सबको कि थीटा ये किस में है? रेडियन में। इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन में आर। क्लियर? तो देखो, थीटा इक्वल टू एल 22 अपॉन में 100, इसको कैंसिल कर दो, 11 अपॉन में 50। ये किस में है? रेडियन में। किस में है? रेडियन में।
अब हम इस रेडियन को किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में। किसमें चेंज करेंगे, डिग्री में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई, और पाई क्या लेंगे, 22/7। तो देखो ये तो अपने पास थीटा की वैल्यू आ गई, बट रेडियन में आई है, और क्वेश्चन में बोला है डिग्री में चाहिए। किसमें चाहिए, डिग्री में। तो देखो 11/50 का मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई, 180/पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 7 हमेशा यहाँ आ जाएगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 11 2 जा 22, ये कैंसिल हो गया 6 टाइम, क्लियर। तो ये हो जाएगा 42/5, क्या डिग्री, कितना हो गया 42/5। अब इसको कंप्लीट भी तो करना है, पूरे मिनट सेकंड जो आते हैं सबको सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा 8 टाइम, है ना, 5 8 जा 40, तो 8 ये आ गया, तो 2/5 बचा, तो 2/5 × 60 मिनट, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 24, तो 8 degree 24 minute थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। ये अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 था ये कि 4 ही था, क्या क्वेश्चन नंबर 4 ही था, है ना, जिसका आंसर अपने पास आ गया। फिर से एक बार चेक करते हैं, देखो हमने किया 2 से 11 और 100, 11/50, यहाँ 11/50 पाई, 180/पाई, 22/7, कुछ बच थोड़ी रहा है, ये कटा 2 टाइम, अच्छा ये 2 से कट गया तो 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9, ये थोड़ी सी गलती होगी, देखो 2 से 18 को काटेंगे तो कितना आएगा 9, और ये हो जाएगा 63, कितना होगा 63। इसको दोबारा कैलकुलेशन करते हैं, देखो 63/5, तो इसमें जब डिवाइड देंगे जब जाएगा 5 1 जा 5, ये हो जाएगा तो 5 2 जा 10, बचेगा 3/5 × 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 36। तो अपने पास थीटा डिग्री में आएगा 12 degree और 12 3 जा 36 सेकेंड, क्लियर। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, सेम चीज वही है ये, इसमें बस याद रखने लायक क्या चीज है कि हमें जो थीटा, इस फॉर्मूला जो होता है ना, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, इसमें थीटा हमेशा रेडियन में होता है, और क्वेश्चन में हमें डिग्री में पूछा है, तो रेडियन में हम थीटा फाइंड कर लेंगे और रेडियन से उसे डिग्री में चेंज कर लेंगे। भाई रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन चेंज करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करेंगे, इसमें अभी 5, 6, 7 के 3 पार्ट हैं, है ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आई हो आज की वीडियो तो कमेंट करके बताना, और जो जो भी ये वीडियो देख रहा है उस वो ज़रूर अपना कमेंट में नाम लिख के हमको बता दे एक बार, ठीक है ना। आज के लिए केवल यही है, थैंक यू।